हेलो दोस्तों, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका त्यागी। एंड आज हम जा रहे हैं शिरडी। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि हम शिरडी जा रहे हैं, और हम हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट टाइम मैं प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा साफ था और बैठने की कोई जगह नहीं थी। 1 घंटे का ट्रैवल करके आए थे घर से, तो हमको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इस वजह से बैठ गए। और ये आ गई है हमारी कर्नाटका एक्सप्रेस। आधा घंटा का अराउंड हम बैठे होंगे और हमारी ट्रेन आधा घंटा पहले ही आ गई टाइम से, और हम बैठ गए हैं ट्रेन में अपनी कर्नाटका एक्सप्रेस। और तो चलिए चलते हैं, मैं आपको अपना कोच दिखाती हूँ कि हम कहाँ बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, क्या क्या है। 2 AC का हमने टिकट कराया था। टिकट हमारा काफ़ी महंगा हुआ था, आई थिंक 2500 रुपये का एक था, और फ्लाइट की टिकट मिली नहीं थी। हमारा इंस्टेंटली हमारा प्रोग्राम बना था कि हमको शिरडी चलना है, और ये हैं पतिदेव, हमारा ब्लैंकेट लगा रहे हैं, बिस्तर लगा रहे हैं आराम से बैठने के लिए, क्योंकि ये शाम का समय था और 1 घंटे में रात हो ही जाती। इस वजह से हम ऑलरेडी अपना सेटअप करने के लिए रेडी हैं। और ये है हमारा लगेज, एक पिट्ठू बैग, एक टोट बैग एंड एक अटैची, ठीक है, ट्रॉली। बस इतना ही सामान लेके चले हैं। और जिसमें से ये जो मेरा हैंडबैग था, ये तो बहुत जल्द, इसमें सिर्फ खाने का सामान था हमारा, क्योंकि हमारा 1.5 दिन का जर्नी होने वाला था, तो मैं खूब सारा खाना लेके चली थी, क्योंकि मुझे बाहर का खाना सूट भी नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये हूँ मैं और हमने 1.5 दिन में, ये समझ लो, जितना हैंडबैग में खाना था वो सारा का सारा खा लिया था। और टाइम से एकदम ट्रेन चल दी, 5 मिनट का हॉल्ट था केवल, वैसे आधा घंटा पहले लग जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, 5 मिनट का हॉल्ट था और उसके बाद चल दिए, बाय बाय न्यू दिल्ली। और हम जल्दी मिलेंगे शिरडी में, तो हम आपको थोड़ी सी जर्नी भी दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या सीनरीज पड़ी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी कि सीनरीज बहुत अच्छी पड़ती हैं। और देखिए थोड़ी ही देर में इतना अच्छा ग्रीन व्यू ये शुरू हो गया था, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पहाड़ी इलाका सा शुरू हो गया था, और मैंने काफ़ी शूट किया है। ये छोटी छोटी नदियाँ, ग्रीन ग्रीन पहाड़, यही तो प्यारा लगता है। ऊपर से ट्रेन की जर्नी, बहुत दिनों बाद ट्रेन की जर्नी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, ये एक ऐसी नदी थी जो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नदी कम बाढ़ ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल। देखिए सो ये था हमारा जर्नी, और हम रात को सो गए और मैंने शूट भी नहीं करा, अभी मैं बुक पढ़ रही थी टाइम पास के लिए। और बाहर देखा तो इतना प्यारा व्यू था, और हस्बैंड तो टकटकी लगाकर पूरा टाइम विंडो के बाहर देखते रहे, क्योंकि सीनरीज ही इतनी अच्छी आ रही थी। देखिए आप भी देखिए कितनी अच्छी सीनरीज थी, ऐसे फील्ड्स, पौधे, और बहुत ही मज़ा आया। और हम शिरडी के बाद आगे भी जाने वाले हैं, हाँ, तो व्लॉग हमारे कंटिन्यू रहेंगे, उन्हें भी देखते रहना। ये देखो छोटे छोटे पहाड़, चकोर पहाड़। और ये हम पहुँचे फाइनली रात को, मैंने बाकी का शूट नहीं करा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता नहीं तो। और फाइनली कोपर गांव, और हमारी ट्रेन थी 2.5 से 3 घंटा लेट, और बहुत पक चुके थे बैठे बैठे हम। लास्ट डे मतलब हम बैठे थे 7 बजे, 6-7 बजे बैठ गए थे, और तब से हम शाम को 7 बजे, यानी 24 आवर्स जर्नी थी हमारी फुल। सो ये है लगेज, पतिदेव लगेज उठाते हुए, लेकिन अंदर से खुशी देख के चेहरे पे अलग ही चमक थी और सुकून था कि पहुँच गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि शिरडी जाऊंगी, और पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात थी। ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ रेलवे स्टेशन का, कि रेलवे स्टेशन कैसा है कोपर गांव का। और ये हम चल दिए ऑटो या फिर टैक्सी करने के लिए, और ये ऑटो आया है बैक में लेकर, और सीधे ऑटो वाला, हाँ, यहाँ पर ये जो ये वाले ऑटो चलते हैं ना, वैन टाइप, तो ये तो चलते हैं शेयरिंग में, और ये 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ सवारी ले रहे थे, ठीक है। और हमने लिया लेकिन ऑटो, और हमने एक फैमिली को एक के साथ लिया था, तो 200 ईच पड़ गए थे हमको, और हम आराम से चल दिए। इसमें ज़्यादा शेयरिंग नहीं थी, अपना खुला खुला बैठ के आए, क्योंकि मेरे पास लगेज भी बहुत सारा था, मतलब एक बड़ी ट्रॉली थी तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। और हम रात को रुके एक धर्मशाला काइंड ऑफ थिंग में, सस्ता सा रूम लिया था, ज़्यादा हमारा बजट था भी नहीं। और ये है सुबह 6:30 बजे का समय, और मैं आपको रोड्स दिखा रही हूँ क्योंकि वाइब भी अलग थी। और मैं थोड़ा तैयार होकर पतिदेव के साथ चल पड़ी हूँ। रात को काफ़ी लेट सोए थे क्योंकि थक चुके थे, तो चेहरे पे स्वेलिंग भी हो रखी है फुल वाली। खाना अच्छे से सुबह ही सुबह मिलने लगता है, चाय मिलती है, और मंदिर की वाइब, मंदिर की घंटियाँ, बहुत ही कुछ अच्छा था। और ये देखिए रोड्स, और ये नारियल के पेड़,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारा खाना मिलता है, मतलब खाना भी टेस्टी है, मतलब आप कहीं पे भी खा लो टेस्टी है, थोड़ा बजट अगर आपका है तो बजट फ्रेंडली भी है, अच्छा खाना भी और भी मिलता है और महंगा महंगा भी मिलता है, पर हमने वो खाया ही नहीं, हमें तो बिल्कुल दाल रोटी सब्जी ऐसा खाना खाना था, और ब्रेकफास्ट में हम इडली वगैरह बस ऐसा ऐसा खाना खाया है हमने, एकदम सिंपल वाला, ताकि क्योंकि हमारी 5 दिन के लिए हम जर्नी पे निकले थे, ताकि हम अच्छे से कोप अप कर पाए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैच कर पाए हमको, इसलिए ये एक लक्ष्मी नारायण मंदिर था, साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी और साथ में और भी मूर्तियां थी, हाथ जोड़े आगे बढ़े, चाय मिल रही थी लेकिन चाय भी नहीं पी, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, सुबह 6:30 बजे बस जल्दी थी हमें लाइन में लगने की, और ये अंकल जी तिलक लगा रहे थे, अब रोक ही लिया था तो तिलक हम दोनों ने लगवा लिया, और एज यूजुअल मैंने शूट नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको तिलक लगाने के लिए, बहुत सारे बच्चे भी होंगे और ऐसे बूढ़े अंकल भी होंगे, तो ठीक है थोड़ा सा उनको दक्षिणा दे दी और हम जल्दी से आगे बढ़े, और ये मिले हैं हमें एक अंकल जी बोलूँ या सॉरी भैया जी बोलूँ, और भाई इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ क्या किया, ठीक है लेकिन मैं बोलना चाहूँगी तब भी कुछ कि यहाँ पे प्रसाद वाले बहुत उल्लू बनाते हैं जितने भी हैं, ठीक है आपसे कहेंगे चोला ले लो 250 का 750 का, वो तो हमने मिनिमम वाला लिया था, इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं ये, आपको बोल देंगे चोला बोला, प्रसाद लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर से प्रसाद मिलता है, आप ये सब ना करें क्योंकि ये कहीं भी नहीं चलता है मंदिर में, सिर्फ ये इन्हीं के पास रह जाता है, और ये आपको वापस ऐसे बोल देते हैं कि हमने प्रसाद आपकी तरफ से चढ़ा दिया, तो ये बिल्कुल भी ना ले, अच्छा फ्रॉड, ये फ्रॉड है, यहाँ पे बिल्कुल भी प्रसाद तो वही मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब यहाँ पे आसपास, पता नहीं जो लोग ब्लॉग बनाते हैं वो बताते क्यों नहीं है, भाई हम तो इनिशियल कर रहे हैं अभी, हम तो बताएंगे, इस तरह का प्रकार ये वाला नहीं लेना है, ये बिल्कुल नहीं लेना है, चलिए अब चलते हैं द्वारका माई, घूमते हैं कहाँ पर है, दर्शन तो करने हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए, मजा आया, काफी लंबी लाइन थी आज, बहुत ज्यादा क्राउड था, क्राउड क्राउड तो बहुत ही भयंकर था, और इतनी जगह लाइन है, 3-4 जगह मतलब एक पूरे पूरे रूम हम बारीक बारीक लाइनों में गए हैं, चलिए कोई नहीं दर्शन तो अच्छे हुए, ओम साई राम। और हमने फिर किया ब्रेकफास्ट शेरे पंजाब में, यहाँ हमने इडली और पोहा ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा था, और मैं आपसे कह रही थी कि प्रसाद लेने का इतना वो प्रॉब्लम नहीं था, जो फ्रॉड तरीका था ना उनका वो गलत था कि प्रसाद छुआ कर लाएंगे, और वो वहीं का वहीं टंगा हुआ था, मतलब आप ये समझ लो हमने 550 रुपीज़ अपने शूज़ और क्या कहते हैं ये प्रसाद लेने के लिए दिए हैं, 550 रुपीज़ जो प्रसाद में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि हम एक चोला तक नहीं ले जा पाए, और पता नहीं मंदिरों का क्या सिस्टम हो गया है कि हम कुछ प्रसाद चढ़ा ही नहीं सकते हैं, वो वाइब ही नहीं आती, वो कल्चर ही खत्म करते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, और मैं कह रही थी कि यहाँ पर अधिकतर डॉग्स आपको सोते हुए मिलेंगे, यहाँ तक कि जब हम लाइनों में लगे हुए थे ना वहाँ पर भी जगह जगह एक दो डॉग्स आए और वो सो रहे थे, और इतने सो रहे थे जैसे मेडिटेशन में हो, इतना सो रहे थे ये डॉग, लेकिन जग रहा था, और हम ये आ गए हैं द्वारका माई की तरफ, और हम ढूंढ रहे थे कि एंट्री कहाँ से, तो एंट्री जो है वो जहाँ सीधे सीधे जाना है वहाँ से जाके आगे से जाके लाइन लगती है, लाइन में नंबर आधा घंटे में आ जाता है, यहाँ पे भी चेकिंग होती है, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, हम दोनों लाइन में लग गए, उसके बाद हमारा चेकिंग हुआ तो मोबाइल थी हमारे पास क्योंकि हमने लॉकर में से निकाल लिए, और फिर इनको रुकना पड़ा, मेरे हस्बैंड को रुकना पड़ा, और मैं गई दर्शन करने के लिए द्वारका माई के लिए, और लेकिन दर्शन बहुत प्यारे हुए, वहाँ इतना सुकून था कि मैं क्या ही बताऊँ, और यहाँ पर इतनी प्यारी वाइब, इस पोर्शन को मैंने अनम्यूट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ की धुन यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आप भी आराम से सुनिए और सुकून लीजिए, आपको भी महसूस होगा जैसे कि आप श्री साईं बाबा के बहुत पास हैं और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ, और आगे भी ब्लॉग कंटिन्यू होगा, हम शनिशन्नापुर जाएंगे और वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी हमने कैसे कैसे दर्शन किए क्या किया, ये देखो कितनी अच्छी वाइब है, दर्शन बहुत अच्छे हुए थे द्वारका माई में, और बहुत सुकून मिला था वहाँ पर बैठकर, यहाँ के पास ये दक्षिणा के हनुमान मंदिर है और यहाँ के पास श्री साईं बाबा के मुख दर्शन भी होते हैं,
ये है श्री चावड़ी। यहाँ लेडीज और जेंट्स की अलग अलग लाइन लगती है आसानी से दर्शन होने के लिए, इसलिए अलग अलग लाइन लगती है, वरना ये मंदिर अंदर से एक ही है। लाइन नहीं लग रही थी उस समय तो। और ये है आसपास का मार्केट, और ये है अब्दुल बाबा की झोपड़ी। अब्दुल बाबा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो साईं बाबा की बहुत सेवा करते थे। हम अंदर गए थे और लेकिन मोबाइल लेकर नहीं गए, वहाँ वैसे कोई मना ही नहीं थी, बट फिर भी नहीं लेके गए। और हमने वहाँ पर दर्शन किए उस प्लेस के, और बहुत अच्छा लगा। जितनी कहानियाँ सुनी थी साईं बाबा की, वो सब कुछ जैसे सामने हो ऐसा लग रहा था। ओम साईं।